हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं दोबारा से कुछ नया करके दिखाऊंगा आपको। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। देखो, मैं थोड़ा मौसम ऐसा हो रहा है, कोहरा पड़ रहा है हमारे यहाँ पे, तो भाई कोहरा पड़। और मैं थोड़ा पढ़ रहा था अपनी क्लास फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहा था सर से। टाइम और दिखा देता हूँ, तो टाइम दिखा देता हूँ। टाइम हो रहा है 7:41। तो अभी फिर कॉलेज तो आज जाना नहीं है क्योंकि टीचर आते नहीं हैं। तो कल मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ, ठीक है? अभी थोड़ा और 1-1.5 घंटे पढ़ लो, फिर मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर। गाइस, अभी बताऊँ, धूप आ चुकी है तब से थोड़ा, नहीं तो अभी तो ठंड लग रही थी। देखो, बिल्कुल धूप मेरे फेस पे भी धूप आने लग गई। और अभी कचड़े वाले भैया आके कचड़े ले गए। और मेरी क्लास भी ख़त्म हो चुकी है, टाइम हो रहा है 10। देखेंगे कॉलेज जाना है कि नहीं, अपना हिसाब से देख लिए, ठीक है? मिलता हूँ थोड़ी देर में। अभी मैं बाहर गया था तो मैं अभी पोहा खरीद के लाया। मैं आपको दिखाता हूँ कि पोहा मेरे यहाँ पे कैसे बनते हैं। थोड़ा थोड़ा रुको जरा। तो ये आधी किलो का पोहा का पैकेट इसी में डाल देंगे भैया। बहुत पोहे हैं। अभी दिखाता हूँ, ये सब सामान कट चुका है, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ तैयार होकर कैसे बनते हैं। चाय जरूर पीता हूँ पोहे के संग। तो ये देखो, चाय बन रही है, दूध ले आया हूँ। तो ब्रेकफास्ट आ चुका है, मैं आपको ब्रेकफास्ट भी दिखा देता हूँ थोड़ा। मम्मी ने बनाए हैं पोहे और चाय बनी है। सॉरी गाइस, मेरे पापा चिल्ला रहे हैं। गाइस चलिए, अब रेडी हो चुके हैं। अब अपने अपनी राम प्यारी की चाबी ले ली हमने। अब राम प्यारी से चलते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं। तो गाइस, राम प्यारी की चाबी हमने ले ली है, तो राम प्यारी को निकालते हैं और चलते हैं। मैं आपको रास्ते में मिलता हूँ थोड़ी आगे। वैसे आज का दिन थोड़ा अच्छा है, धूप निकली हुई है, मज़े आ जाएंगे। मैं आप राम प्यारी। तो गाइस, मैं आपको रास्ते में मिलता हूँ। चलो गाइस, मैं पैसे लेने भूल गया था, मैं पैसे लेने आया था पेट्रोल के। चलो मैं आपको नीचे मिलता हूँ। तो गाइस पैसे ले लिए हैं, अब चलो पेट्रोल डलवाते हैं। अरे पेट्रोल सही में 1.5-2 हज़ार की पेट्रोल ले जाते हैं, कॉलेज करीब 11-12 किलोमीटर दूर है। चलो अब थोड़ा चलते हैं। गाइस कॉलेज पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ी देर, ज़्यादा मिनट नहीं हुए बस। अभी बाइक पार्किंग पे लगा दूँ, फिर 12:40 की क्लास है, अपनी 12:40 की क्लास लेके फिर निकलेंगे थोड़ी देर में। चलो मैं उतरता हूँ, जरा स्टैंड लगा लूँ, अपनी व्यवस्था कर लूँ। आज तो थोड़े ज़्यादा बच्चे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज खूब बच्चे आए हुए हैं। मुझे लगा था आज ज़्यादा आएंगे नहीं, पर सही आ गए। ग्राउंड वगैरह में आज एनसीसी डेली होती है, शायद एनसीसी हो रही है तभी। तो गाइस अभी कॉलेज तो आ गए हैं, अभी 12 बजे का एक बच्चों का बैच लगेगा। अपने की टाइमिंग थोड़ी चेंज होगी। और एक स्मारक स्थल दिखा देता हूँ एक बार। मैं ये वाली स्थल है, इस पर बैठ रहे थे, मेन यही है। और ये वाला अपना सभागार, ये रहा अपना रेड वाला। तो इसमें जैसे बच्चे बहुत सारे होते हैं, उसमें क्लास लगती है। जैसे अभी UPSC वालों की चली थी, जैसे मोटिवेशन दिया जा रहा था उनकी, तब लगी थी उसमें क्लास सभागार में। और नॉर्मल तो लगती रहती हैं जैसे और कोई आता। तो गाइस इस टाइम पे भीड़ तो ज़्यादा नहीं है, बच्चे ग्राउंड में आराम से मस्त बैठे हुए इस टाइम पे। अपना अपना उनका सेटअप है, और कोई अपनी बुक लेके बैठा है, कोई देखो उधर सामने चल रहा है। तो ऐसे ही बच्चे बैठ रहते हैं, जिन पे टाइम पास करना होता टाइम पास कर लेते हैं, नहीं क्लास चलेगी अभी क्लास ले लेंगे, और कुछ है नहीं ज़्यादा टाइम उन पर। तो ग्राउंड तो खूब बड़ा है, जैसे नॉर्मल और होते हैं उससे बड़ा। जैसे तुम लोग दिखाता हूँ, ये मेन ग्राउंड है, उधर जैसे फिजिकल एजुकेशन का रूम है और उधर बच्चे गेम खेल रहे हैं, ऐसे ही नॉर्मल है बैठ। और क्या ज़्यादा खास भी नहीं है, जैसे बच्चे आ जाते टाइम पास करने आते, ये नहीं कि कंफर्म पढ़ाई भी नहीं होती। जैसे टीचर, हर कोई टीचर भी नहीं आता, कभी कभी इंग्लिश के टीचर लेट हो जाते हैं, तो हिस्ट्री के टीचर बोलते हैं अभी हमारी कोई क्लास है, तो ऐसे होता रहता है थोड़ा बहुत। तो गाइस अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ, जरा अभी मैं थोड़ा और टूर ले लूँ रूम में, कितने बच्चे क्या कर रहे हैं। यार भाई ये यहाँ घूम रहे हैं मस्त VIP। तो गाइस ये आ गए, ये अपने टाइम से पहले ही आ गए हैं भाई। गाइस को हेलो तो बोल दो। हेलो बॉस। तो गाइस थोड़ी देर में मिलता हूँ, मैं अभी भाई के संग चिल कर लूँ थोड़ा। गाइस अभी हम लाइब्रेरी आए हुए थे, तो लाइब्रेरी में चीज़ देखी। तो लाइब्रेरी अभी हम लाइब्रेरी आए हुए थे अपनी, तो मैं आपको लाइब्रेरी का थोड़ा सा टूर दे देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस वगैरह की किताबें हैं सब। और ये हमारे यहाँ पे वैसा जैसे वो लगा हुआ है, जैसे बच्चों को अपने रजिस्ट्री करनी है बुक लेने की, तो ये है। और ये दो कंप्यूटर लगा रखे हैं, और ये सारी बुक्स हैं इधर रखी हुई। और बुक्स के अलावा मैं दिखा देता हूँ, ये सोर्स है, इधर बच्चे पढ़ते हैं मेन, जो पढ़ने वाले होते हैं, नहीं तो
कोई ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता, सॉरी गाइस। और ये बुक्स वगैरह रखी हुई ज़्यादा नहीं है कोई ऐसे बच्चे, और थोड़ी बहुत जो रजिस्ट्री करानी होती है वो इधर ही से हो जाती है। तो गाइस ये सारी बुक्स रखी हुई हैं इंग्लिश की, और ये सारी इंग्लिश की बुक्स हैं। और देखते हैं, ये लाइब्रेरी तो खूब बड़ी है, बस थोड़ा अंधेरा है इसलिए देखने में मज़े नहीं आ रहे। और देखिए ये पॉलिटिकल साइंस की गाइस, ये क्या हो रहा है गाइस, हम आपको पल्ली पार चल के दिखाते हैं क्या हो रहा है। तो गाइस ये एक तूफानी फैन लगा हुआ था, तूफानी फैन, और ये सीढ़ियाँ ऊपर के लिए जाती हैं। और गाइस ये सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट भी है इधर, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो गाइस चलिए मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ बाहर से, ये वाला टूर तो इतना बहुत है और क्या करोगे इसका। कंप्यूटर लैब भी है जिसमें ज़्यादा बच्चे तो नहीं बैठे पर तो है, ये देखिए बच्चे सब प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे हैं। और इधर के कंप्यूटर भी मस्त हैं, ये बताइए सरकारी कॉलेज में कंप्यूटर हैं ये और बहुत बड़ी बात है, इसने और क्या चाहिए लोगों को। चलिए गाइस अब थोड़ा बाहर चलते हैं, अब अपनी क्लास है 12:40। गाइस ये भाई अपना अभी कंप्यूटर बंद करके बैठा हुआ है, चलिए भाई चल अपनी हिस्ट्री की क्लास है, चल आजा बंद कर दे। तो गाइस थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं आपको बाहर, जब हिस्ट्री की क्लास में आ चुके हैं अपनी। चलो मैं आपको हिस्ट्री की क्लास दिखाता हूँ थोड़ी, कितने बच्चे आ जाते हैं इसमें। हिस्ट्री की क्लास में बच्चे बहुत आते हैं, झूठ नहीं बोल रहा, टंकियाँ बहुत होती है। देखो एनसीसी वाले बच्चे भी इसमें सब आते हैं इसमें, भाई भर के आज तो आए ना आए, पर ये इन सबको आना होता है गारंटी से। भाई ये एनसीसी वाले बच्चे कितने कितने दिन आते हैं, एनसीसी वाले बच्चे कितने कितने दिन आते हैं? बुधवार को शनिवार को आते हैं। अच्छा तो ड्रेस पहनना कंपलसरी होता है डेली का? तो गाइज एनसीसी भी अपने कॉलेज में है, आप लोगों ने अभी भैया देख लिए एनसीसी वाले, तो अभी मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ आपको क्लास खत्म करके, ठीक है। अपनी क्लास में बिल्कुल जगह नहीं बची है, सारी लड़कियाँ देखो, सारी नहीं तो ज़्यादातर खड़ी हुई हैं, तो देख बना रही हैं। एक सीट पे पाँच पाँच दस दस ऐसे बैठेंगे अभी, क्योंकि सरकारी कॉलेज है, 3,000 रुपये में इतना ही मिलता है, इससे ज़्यादा की उम्मीद ना रखें, ठीक है गाइज। थोड़ी देर में मिलता हूँ, सूफी सर आने वाले हैं, ठीक है गाइज। अभी अटेंडेंस लग रही है, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ अटेंडेंस ऐसे लगती है थोड़ी बहुत। गाइज अभी हिस्ट्री की क्लास छूट चुकी है, 1:20 हो गए हैं, अब दोबारा 2 बजे वाली सर की हिस्ट्री की क्लास लेंगे। सर कह रहा है कि ये दो दो क्लास में कैसे बैठ रहा है, मैंने बोला सर अभी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहा था, तो ऐसे ही चलता रहेगा, थोड़ी देर में अपनी उसमें क्लास में जाएंगे फिर ख़त्म। जैसे 2 बजे से सर 3 बजे तक पढ़ा देते हैं, 3 बजे तक पढ़ा देते हैं तो वो क्लास पूरी ख़त्म हो जाएगी, तो इतना ही होता है, फिर एक और क्लास ले लेंगे, फिर अपना ख़त्म सेटअप। गाइज अभी पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, बच्चे लगे हैं, ये देखो उधर क्रिकेट मैच चल रहा है, फील्डिंग चल रही है, इधर ये बंदा फुटबॉल से मार रहा है, देखो उसने मारी ये बॉल, बस ये उसने रोक ली। तो चलो अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ अपनी 2 बजे वाली क्लास में, ओके बाय। गाइस आज दोबारा एनसीसी की परेड है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितने बच्चे पीछे हैं अपने। तो गाइस इस टाइम पर बहुत सारे बच्चे आराम से सब खेल रहे हैं, परेशान अरे व्लॉग आ जाएगा आज का, देख भाई साहब अभी इनके ट्रेनर आएंगे, वो भी मेन आर्मी में है, इससे पहले हम भाग लेते हैं, नहीं ये सब हमें लट दे सकते हैं। अभी हिस्ट्री की क्लास में आ चुके हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं आए हैं, मैं तुम लोगों को एक बार, बच्चे ज़्यादा नहीं है, 8 बच्चे हैं अभी, सर फिक्स टाइम पे आ जाते हैं करेक्ट 2 बजे, जैसे ये टीचर अच्छे हैं और तो बाकी सब अपने अपने काम से आते रहते हैं। अभी थोड़े बच्चे और आ जाएंगे फिर अपनी क्लास स्टार्ट होगी, थोड़ी देर में मिलता हूँ। आज अपनी अटेंडेंस लगी नहीं है क्योंकि सर का किसी ने सामान गिरा दिया, उस बंदे ने इसी ने गिराया, ये था गाइस वो, अभी मास्क नहीं उतारेगा, ये सुंदर ज़्यादा है इसलिए। गाइस जैसे बताऊँ अपने कॉलेज में सब मेरिट से हुए हैं, कोई फ्री में नहीं आया, जैसे जिसकी अच्छी रैंक थी 75+ उन्हीं का हुआ है, हर किसी का नहीं हुआ, बट मोदी जी ने सबको फ्री नंबर बांटे हैं तो 75 सबकी आ गई है। चलो अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं। गाइस अभी की क्लास ख़त्म हो चुकी है पूरी, 3 बज गए, सर ने एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिया थोड़ा बहुत, कम नहीं पढ़ा, ये सर गाइडेंस अच्छी देते हैं इसलिए बताऊँ सारे बच्चे नीचे पीछे पढ़ रहे थे। तो अब मैं तुम्हें घर मिलता हूँ, थोड़ी देर में मिलता हूँ। अभी आए हुए थे तो गर्ल्स मार्च कर रही हैं, मैं आपको थोड़ा जैसे ये गर्ल्स मार्च कर रही हैं, क्लियरिटी सॉरी अच्छी नहीं आ रही होगी, बट ये मार्च है और पूरे ग्राउंड में मार्च ही मार्च चल रही है, उधर अलग बटालियन है और उधर अलग बॉयज़ बैठे हुए मार्च में, गाइस ऐसी चलती है थोड़ी बहुत। तो आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। गाइस थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे, आप लोगों को भी सबकी मदद करनी चाहिए।